doing? Welcome back to my channel Shweta Soni Vlogs after long time. Navratri start ho gayi hai aur jaise ki aap sabko pata hai main Ahmedabad se hu to hamare liye bahut important hote hain Navratri kyunki hum is time pe garba aur dandiya kar sakte hain. Now after marriage I am not staying in Ahmedabad, I am staying in Jaipur aur Jaipur mein main bahut miss karti thi Navratri ko. Har saal Ahmedabad jana possible nahi ho pata hai to I got to know ki Ahmedabad Jaipur mein अभिव्यक्ति वाले गरबा सिखाते हैं 20-25 डेज के लिए और उसके बाद में 4-5 डेज का प्रोग्राम रखते हैं. तो आई लाइक पार्टिसिपेटेड इन दैट और एक्चुअली मैंने पार्टिसिपेट लास्ट ईयर किया था. जो फुटेज वगैरह मैं दिखा रही हूँ सब भी लास्ट ईयर के हैं. लास्ट ईयर नवरात्रि फिनिश होने के बाद मैं इनको एडिट नहीं कर पाई और अपलोड नहीं कर पाई. सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट दिस ईयर. लास्ट ईयर मैंने नवरात्रा लुकबुक भी क्रिएट किया था, दैट यू कैन चेक आउट, लिंक वुड बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अभिव्यक्ति वाले इतने मस्त स्टेप सिखाते हैं गरबे के, इतने मस्त स्टेप सिखाते हैं कि क्या बताऊं. की ट्रेनिंग बहुत मजेदार होती है और उसके बाद जो उनका प्रोग्राम होता है वो भी काफी शानदार होता है. जो वेन्यू होता है वहाँ पे दो सर्कल्स बनाए जाते हैं. एक सर्कल में तो जो जिन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली है वो प्रॉपर गरबा करते हैं, प्रॉपर डांडिया करते हैं और दूसरे सर्कल में जो भी विजिटर्स हैं वो सारे चाहे भांगड़ा करो, चाहे गरबा करो, चाहे जो करना है वो वहाँ पे कर सकते हैं. ये दो सर्कल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो सीखे हुए लोग हैं उनको बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं करें और लोग एक वो होते ना एक से स्टेप्स होते हैं. आप लोगों को पता होगा गरबा में क्या होता है कि सर्कल में सब लोग एक से स्टेप्स करते हैं. अब जिसने नहीं सीखा होगा उसको तो सेम स्टेप्स नहीं आएंगे, इसलिए इन लोगों को अलग रखा जाता है. मैंने वहां पे नहीं सीखा क्योंकि मुझे ऑलरेडी गरबा आता था, बट मुझे एक प्रॉपर प्लेस चाहिए थी जहाँ पे प्रॉपर गरबा होता है, तो वो जयपुर में सिर्फ मुझे अभिव्यक्ति में ही मिला. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो और आप लोग देखिए कि किस टाइप के स्टेप सिखाए जाते हैं वहां पे और कितना मजा किया करते हैं हम लोग. ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो माई सन वुड बी डूइंग फ्यू स्टेप्स, क्योंकि मैं जब गई थी ट्रेनिंग पे तो मैंने मेरे बेटे को भी वहां पे रजिस्टर करवाया और आई वॉन्टेड कि मेरा बेटा भी सीखना चाहिए गरबा, बिकॉज आई नो कि अहमदाबाद तो मैं उसको ले जा नहीं सकती हर साल, ही इज इन टू स्कूल, ही इज इन 9th स्टैंडर्ड राइट नाउ. तो आई थॉट कि यहाँ से सीखना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा तो आए, क्योंकि यहाँ जयपुर में मेरे किसी नोन को नहीं आता, तो आई वॉज लाइक मेरे साथ कोई है ही नहीं. अब नाउ आई हैव अ गुड कंपनी ऑफ माई सन और हम दोनों साथ में बहुत मजे से गरबा कर पाते हैं. सो
अभिव्यक्ति का पार्ट जरूर बनिएगा। मैंने अभिव्यक्ति जयपुर में रजिस्टर करवाया था और मैंने सुना है कि अभिव्यक्ति तो और बहुत सारी सिटीज में होता है, तो अगर आपकी सिटी में भी अभिव्यक्ति वाले गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और इस वीडियो के बाद में मैं अभिव्यक्ति के गरबा महाआरती का वीडियो भी अपलोड करूंगी। ये महाआरती के स्टेप्स भी अभिव्यक्ति वाले ही सिखाते हैं और वो बहुत शानदार आरती सिखाते हैं, बहुत ही शानदार होती है। और टिल देन, stay happy and blessed. Bye-bye.